दोस्तों दुबई ऐसा देश है जहां हर कोई जाना चाहता है, जिसका कारण है वहां की खूबसूरती। दुबई अमीर देशों में से एक है, जहां के शेखों के पास इतना पैसा है कि अगर पूरा वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के पैसों को मिला भी दे तो उनके बराबर नहीं होगा। दुबई को रेगिस्तान से बदलकर एक खूबसूरत देश बनाने के पीछे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस वीडियो में हम शेख मोहम्मद बिन राशिद के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, आखिर उन्होंने कैसे रेगिस्तान से बदलकर दुनिया खूबसूरत और अमीर देश बना दिया, और साथ ही साथ उनकी लाइफ स्टाइल को भी दिखाएंगे, आखिर कैसी लाइफ स्टाइल को जीते हैं। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन राशिद का पूरा नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद का जन्म 15 जुलाई 1949 को दुबई के एक छोटे से शहर अल सिंधागा में हुआ और 2021 के हिसाब से 72 साल के हैं। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद जब 4 साल के थे तब ये प्राइवेट ट्यूशन लेते थे अरबिक और इस्लामिक स्टडीज में, और 1955 में इन्होंने अल अहमदिया स्कूल में एडमिशन लिया, जिसके बाद ये जब 10 साल के हुए तो इन्होंने अल साहब स्कूल में पढ़ाई की। लेकिन 2 साल बाद मोहम्मद बिन राशिद दुबई सेकेंडरी स्कूल चले गए, और मोहम्मद बिन राशिद जब छोटे थे तब अपने दादा की मजलिस में भी शामिल होते थे। 1966 में मोहम्मद बिन राशिद ने अपने कजन मोहम्मद बिन खलीफा के साथ यूनाइटेड किंगडम के बेल एजुकेशनल ट्रस्ट इंग्लिश स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने आर्मी स्कूल ज्वाइन किया जिसका नाम था मॉन्स ऑफिसर कैडेट स्कूल। मोहम्मद बिन राशिद अमीर होने के साथ ही साथ मेहनती और इंटेलिजेंट भी थे, और अपने कैडेट स्कूल से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ ग्रेजुएट हुए, जिसके बाद ये पायलट की ट्रेनिंग लेने चले गए इटली। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद के करियर के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद दुबई आए, और दुबई आते ही उनके पिता ने उनको दुबई पुलिस फोर्स और दुबई डिफेंस फोर्स का हेड बना दिया, और बाद में वो यूनियन डिफेंस फोर्स का भी हिस्सा बन गए। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद दुबई के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। जी हाँ दोस्तों, 1971 में दुबई में पहले डिफेंस मिनिस्टर बने जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना, और वहां से ब्रिटिश फोर्स की हुक्मरानी को खत्म किया गया। मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में सिविल एविएशन अथॉरिटी स्टार्ट की, उसके साथ ही साथ इन्होंने दुबई की एयरलाइंस भी स्टार्ट की, जो आज दुनिया के मशहूर एयरलाइंस में से एक है, जिसका नाम एमिरेट्स है। 2006 में अपने भाई के डेथ के बाद मोहम्मद बिन राशिद दुबई के किंग बन गए। 2006 में ही फेडरल नेशनल काउंसिल के ओर से मोहम्मद बिन राशिद यूएई के प्रेसिडेंट बन गए, और उसके बाद उस समय के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहनान के ओर से यूएई के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया, और मोहम्मद बिन राशिद ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही दुबई से करप्शन खत्म कर दिया। दोस्तों आज दुबई एक मिट्टी के ढेर से एक जन्नत बन गया है, जिसका पूरा क्रेडिट मोहम्मद बिन राशिद को जाता है। इनके कामों और मेहनत की वजह से दुबई का नाम आज खूबसूरत और अमीर देशों में आता है, और इनके ईमानदारी के कारण इन्हें दुबई में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने दुबई में हर तरह की फैसिलिटीज दी है, जैसे एडवांस एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और बिजनेस को भी काफी बढ़ावा दिया है। दुबई में हर तरह के बिजनेस को इन्होंने प्रमोट किया है, जो सबसे बड़ा रीजन है दुबई की बढ़ती इकोनॉमी और ग्रोथ का। मोहम्मद बिन राशिद एक अच्छे लीडर के साथ ही साथ एक अच्छे इंसान भी है, जो दुनिया भर के जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इन्होंने दुबई में एक लाइब्रेरी भी खोली है जहां से लोग अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। उस लाइब्रेरी का नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी रखा है, जिसके ऊपर इन्होंने लगभग $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और मोहम्मद बिन राशिद की 30 चैरिटी फाउंडेशन भी है, जो 16 कंट्री के 130 मिलियन लोगों के खाने पीने और रहने के लिए मदद करती है। और इसी के साथ ही साथ मोहम्मद बिन राशिद के फाउंडेशन, जिसका नाम नूर फाउंडेशन है, वो दुनिया भर के लोगों के आंखों का इलाज मुफ्त में करती है। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद आपको कैसे लगते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलवाते हैं आपको मोहम्मद बिन राशिद की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है राशिद बिन सईद अल मखतूम, और इनकी माँ का नाम है लतीफा बिन हमदान अल नहयान। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद 3 भाई और 5 बहन हैं। बात करें इनकी वाइफ के बारे में, तो दोस्तों इन्होंने 6 शादी की हैं। इन्होंने पहली शादी 1972 में रंडा बिन मोहम्मद अल बन्ना से की, लेकिन इन दोनों का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की 1979 में हिंद बिन मखतूम अल मखतूम से, और ये करंटली अभी इन्हीं के साथ रह रहे हैं। और इनकी तीसरी बीवी का नाम है हाया बिन्त हुसैन, जिनसे इन्होंने 2004 में शादी की, लेकिन 2019 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। और इनकी चौथी बीवी का नाम है दलीला अलौला, इनका भी डिवोर्स हो चुका है। और पांचवी बीवी का नाम है होरिया अहमद लमारा, लेकिन इनका भी डिवोर्स हो चुका है। और इनकी सिक्स्थ बीवी का नाम है जोए ग्रीको रकोस, लेकिन इन दोनों का भी डिवोर्स हो गया है। वहीं मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन राशिद के 22 बच्चे हैं, जिनमें 9 बेटे और 13 बेटी हैं।
अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद के हाउस के बारे में। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद का हाउस दुनिया भर में है और इनका ऑफिशियल रेसिडेंट दुबई में है, जिसका नाम शेख मोहम्मद पैलेस है, जो दुनिया का खूबसूरत महल है और इस महल की कीमत लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इनका मोरक्को में एक पेंट हाउस भी है जिसका नाम ले बेले इपोक है और इस पेंट की कीमत लगभग 308 मिलियन डॉलर है, जो इंडियन करेंसी में 2300 करोड़ रुपए होते हैं। और ये पेंट हाउस 70,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसके अलावा इनका एक महल जैसा घर स्कॉटलैंड में भी है जिसका नाम इनवेरीनेट स्टेट है, जो 63,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इसकी कीमत $3 मिलियन है, जो इंडियन रुपीज में बनते हैं 2300 करोड़ रुपए। और इनका एक फार्म हाउस भी है जिसका नाम गेंसबोरोग फार्म है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। दोस्तों इनका यूनाइटेड किंगडम में भी एक घर है जिसका नाम डलहम हॉल है, जो इन्होंने $60 मिलियन का खरीदा था, जो रुपीज में 450 करोड़ रुपए होते हैं। और इन सब घर के अलावा मोहम्मद बिन राशिद का दुनिया भर में कई घर हैं। बात करें मोहम्मद बिन राशिद के कार कलेक्शन की, तो दोस्तों इनके कार कलेक्शन में दुनिया भर की एक्सपेंसिव कार है, जिनमें मर्सिडीज एएमजी G63 है और इस कार की कीमत है $1,47,500 और ये इंडिया में मिलती है 2,19,00,000 रुपए में। और इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज की लगभग 22 कार है और साथ ही साथ उनके पास 3 मर्सिडीज G550 और मर्सिडीज G650 आउटलैंड भी है। और इनके हर कार में VIP नंबर प्लेट होती है जिसकी कॉस्ट $7.25 मिलियन है, जो इंडियन करेंसी में 53 करोड़ रुपए होते हैं। और दूसरी कार इनके पास बुगाटी वेरोन पेगासो एडिशन है जिसकी कीमत $10 मिलियन है और इंडियन करेंसी में 73 करोड़ रुपए। और तीसरी कार इनके पास कस्टम गोल्ड रोल्स रॉयस घोस्ट है, जिसे रॉयल लुक दिया गया है और गोल्ड भी यूज किया गया है, जिस वजह से इस कार की कीमत $6 मिलियन होती है, यानी इंडियन करेंसी में 44 करोड़ रुपए। और चौथी कार इनके पास है रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड कूपे, जिसकी कीमत है $1.2 मिलियन और इंडियन करेंसी में 9 करोड़ रुपए। और इनके पास कम से कम 12 रोल्स रॉयस फैंटम हैं। वहीं बात करें इनकी पांचवी कार इनके पास कोएनिग्सेग CCXR है, जिसकी कीमत है $7 लाख, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 5,10,00,000 रुपए। और इन सब कार के अलावा मोहम्मद बिन राशिद के पास फरारी और न्यू डेविल 16 कार भी है। वहीं बात करें मोहम्मद बिन राशिद के जेट के बारे में, तो दोस्तों इनके पास बोइंग 747 जेट है जिसकी कीमत है $233 मिलियन, जो इंडियन करेंसी में 1750 करोड़ रुपए होते हैं। बात करें इनके यॉट के बारे में, तो दोस्तों इनके पास 531 फीट का यॉट है, जो दिखने में काफी लग्जूरियस है और हर तरह की फैसिलिटीज से लैस है। इस यॉट की कीमत लगभग $300 मिलियन है, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 2250 करोड़ रुपए। बात करें मोहम्मद बिन राशिद के इनकम की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दुबई के किंग होने के साथ ही साथ खानदानी अमीर और दुबई के दर्जनों बिजनेस के मालिक हैं। दुबई का हर एक बिजनेस, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबसे मोहम्मद बिन राशिद की इनकम होती है। और यहां तक कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की इनकम भी मोहम्मद बिन राशिद के हाथों में है। दोस्तों तकरीबन 99% दुबई मोहम्मद बिन राशिद की प्रॉपर्टी है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी इनकम हमारी सोच से भी ज्यादा है। वहीं बात करें मोहम्मद बिन राशिद के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है लगभग $14 बिलियन, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 10,22,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी मोहम्मद बिन राशिद की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना।